हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोनिंग पेनी मॉडल। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, क्रोनिंग पेनी मॉडल को हम शॉर्ट फॉर्म में केपी मॉडल भी कहते हैं। क्रोनिंग पेनी मॉडल को क्रोनिंग और पेनी ने एज्यूम किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है कि वह इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल में किस तरह से मूव करता है। मतलब पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बिहेवियर को क्रोनिंग पेनी ने एक्सप्लेन किया। इसके लिए उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का एक पीरियोडिक एरे के फॉर्म में पोटेंशियल वेल को एज्यूम किया, जिसका डायग्राम दोस्तों लगभग इस तरह से दिखाया गया है। ये जो फिगर वन है और फिगर टू है, फिगर वन है जो दोस्तों, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है तब फ्री इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फिगर वन की तरह दिखाया गया है। ये आपका डायग्राम हो गया अगर पार्टिकल फ्री मूव करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व को ये फिगर टू के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे ES, FI और EF ये इसके पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, क्रोनिंग पेनी मॉडल काफी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल होता है। इसका जो डेरिवेशन है वो ब्लूच थ्योरम के द्वारा दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम क्रोनिंग पेनी मॉडल स्टूडेंट को एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए जो ब्लूच थ्योरम का यूज्ड मटेरियल है उसको यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहे हैं, क्योंकि क्रोनिंग पेनी मॉडल का जो डेरिवेशन है वो ब्लूच थ्योरम पे डिपेंड करता है। तो हम एक एग्जाम के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, ये हो गया। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है किसी मेटल के अंदर, और सभी इलेक्ट्रॉन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी टू ईबी, ईबी का मतलब होता है एनर्जी बैंड, आर बाउंड विद देयर एटम्स। मतलब जो लोवेस्ट एनर्जी का जो बैंड है, एनर्जी बैंड होता है, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन एटम के साथ बाउंड होते हैं और वो वाइब्रेट कर सकते हैं, और एक उस जब वाइब्रेट करेंगे तो उसका स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, और वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ते नहीं है, मतलब वाइब्रेट करके एटम से दूर नहीं जाते, बल्कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ मूव करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ डायग्राम में जो EF है वो EF फर्मी एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, और जो ES है वो पोटेंशियल डेप्थ को एक्सप्लेन करता है। EF फर्मी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ES पोटेंशियल वेल की डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, और फाई जो है वर्क फंक्शन, मेटल के वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेवल होता है, जो फर्मी एनर्जी लेवल है, ये इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो वर्क फंक्शन है, किसी मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वह उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर होता है जिसके थ्रू मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है। मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वह उस मेटल या उस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कहलाता है। दोस्तों, ये डायग्राम है अल्फा ए और पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए के बीच में डायग्राम है, और इस डायग्राम को कैसे डिराइव किया गया है ये हम आगे देखेंगे। दोस्तों, क्रोनिंग पेनी ने बैंड मॉडल के आधार पे कुछ उन्होंने एजम्पशन किया। वो एजम्पशन कुछ इस तरह से है कि मेटल में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वो एक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है। ये जो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी पॉजिटिव आयंस और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन सभी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण प्रोड्यूस होता है। दूसरा पार्ट यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से क्रिस्टल के साथ एसोसिएट होता है, बल्कि वो एंड नॉट ओनली विद एन एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जिस एटम का
जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एटम से एसोसिएट नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल के साथ एसोसिएट होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि पीरियोडिक पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आयन कोर्स के द्वारा ये पीरियोडिक पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है, और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रिस्टल के अंदर, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है और आयन कोर है मतलब न्यूक्लियस, इनके कारण जो पीरियोडिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। फिर दोस्तों जो क्रिस्टल का पोटेंशियल है, क्रिस्टल का पोटेंशियल पीरियोडिक होता है, जिसको इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, इसको हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट और पोटेंशियल वेल में भी पढ़ते हैं। अगर हम Vx इक्वल टू जीरो लेते हैं रीजन जीरो और A के बीच में, और जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट भी जीरो की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है, जब इसको माइनस भी और जीरो के रेंज के बीच में लेते हैं, ये इसका इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये फर्स्ट रीजन है दोस्तों, तो जीरो से A के बीच में जो इसका पोटेंशियल है जीरो है, आप देख सकते हैं ये जीरो है। अब इसके इस साइड में ये सेकंड रीजन होगा, तो आप देख सकते हैं माइनस बी से जीरो के बीच में जो रेंज दिया हुआ है, यहाँ इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। तो यहां पर दो रीजन है। अब ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन है जो कि क्रोनिंग पेनी मॉडल के थ्रू बताया गया है। क्रोनिंग पेनी ने यही बताया कि जब कोई क्रिस्टल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वह पीरियोडिक मोशन ही करता है, जिसको इस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मूव करता है। अब ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है। अब जब हम रीजन फर्स्ट में देखेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम जानते हैं दोस्तों कि होता है डी स्क्वायर साई एन। यहां पर हम दोनों केसेस के लिए हम वेव फंक्शन nth वेव फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, और किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी लेवल है वो nth एनर्जी लेवल कंसीडर कर रहे हैं। nth एनर्जी लेवल का मतलब जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब जो रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल है, ये जनरल के फॉर्म में एक फार्मूले के लिए हम nth को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो nth एनर्जी लेवल है, और जो उसका वेव फंक्शन है वो nth वेव फंक्शन है। ये जो दोस्तों ए है, ये ए लैटिस कांस्टेंट कहलाता है, यहाँ के बीच की दूरी डिस्टेंस है, ये लैटिस कांस्टेंट कहलाता है। तो दोस्तों श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में यहाँ होता है ई माइनस बी, पर चूंकि जीरो से ए के केस में हमने ऊपर देखा कि पोटेंशियल जीरो होता है, इसलिए ये इक्वेशन हो जाएगा। इस रीजन में लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, भी जीरो के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ भी जीरो लिख दिया गया, एन माइनस भी जीरो। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ब्लूज थ्योरम के थ्रू, जो कि हमारे वीडियो में ब्लूज थ्योरम बताया गया है, उसकी हेल्प से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमें ये कंडीशन फाइंड होता है। दोस्तों क्रोनिंग पेनी मॉडल जैसा कि नॉर्मली सिलेबस में होता है कि उसमें उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका हम ब्लूज थ्योरम का यूज करके डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसका हम एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन मिलेगी, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये ले लेंगे और पी की वैल्यू ये ले लेंगे, और इन दोनों वैल्यू को जब हम पुट करते हैं दोस्तों तो ये आपका इक्वेशन मिलता है, ये इक्वेशन मिलता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम y इक्वल टू कंसीडर करके और इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो p साइन अल्फा a अपॉन अल्फा a प्लस cos अल्फा a और cos अल्फा a अल्फा a के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसा कि पीछे डायग्राम में दिखाया गया है। दोस्तों डायग्राम में दिखाया गया है, ये इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ग्राफ से स्पष्ट है दोस्तों कि जो लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब अल्फा ए की वैल्यू जीरो है। यहां से देख सकते हैं जब अल्फा ए की वैल्यू जीरो है तो जो इसकी वैल्यू है पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, इसकी वैल्यू जीरो होती है, और इस केस में हम मिनिमा और मैक्सिमा दोनों फाइंड करते हैं, तो इस तरह से कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस होगी। तो यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू प्लस वन हो सकती है और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस वन होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस वन होगी।
इससे ये क्लियर होता है कि वहां पर एक स्पेस अल्फा ए का एक स्पेसिफिक रेंज होता है और ये अलाउड एनर्जी लेवल को हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम यहां से एनर्जी बैंड प्राप्त कर सकते हैं एक स्पेसिफिक रेंज में। यहां पे हम देखते हैं कि जो एनर्जी बैंड है वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट ना होकर के एक स्पेसिफिक रेंज में होता है। यहां से स्पष्ट है कि देयर आर नो एनर्जी स्टेट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन इन द रेंज पाई टू क्यू टू पाई टू आर, मतलब हम देखते हैं कि पाई से क्यू के बीच में और यहां से टू पाई से आर के बीच में, इसी तरह से 3 पाई से एस के बीच में कोई भी पॉसिबल एनर्जी लेवल नहीं है। इस रेंज को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, मतलब पाई से क्यू के बीच में, 2 पाई से आर के बीच में, 3 पाई से एस के बीच में कोई फिक्स एनर्जी लेवल नहीं होता, क्योंकि यहां से वेरिएशन हो रहा है। ये उसके फॉरबिडन एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है। ये दोस्तों हो गया बैलेंस गैप, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब हम देखते हैं क्रोनिग पेडी मॉडल से इसमें कुछ निम्न कंक्लूजन निकल सकते हैं कि जो इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है उसमें इनफाइनाइट अलाउड नंबर होते हैं, मतलब अलाउड एनर्जी लेवल के इनफाइनाइट संख्या होते हैं जो कि एक इंटरवल के द्वारा सेपरेटेड होता है, जिसको हम फॉरबिडन रीजन कहते हैं। ये फॉरबिडन रीजन कहते हैं, ये वैलेंसी गैप होता है जहां पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है। ये कंडक्शन बैंड कहलाता है सबसे ऊपर, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब ये वैकेंट स्पेस होता है या कि पार्शियली, मतलब कुछ मात्रा में कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे जैसे अल्फा ई की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, अलाउड एनर्जी बैंड की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे यहां से अल्फा ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो अलाउड एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कुछ और पॉइंट्स हैं कि जो अलाउड बैंड की विड्थ है वो डिक्रीज होती है जब इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती है, तब अलाउड बैंड की विड्थ घटती जाती है, डिक्रीज होती है। जब बाइंडिंग एनर्जी जीरो हो जाती है तब इस केस में जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस हो जाता है। इसका अगला पॉइंट है कि अलाउड एनर्जी की जो बाउंड्री है वो प्लस माइनस वन, जो कॉस के ए की वैल्यू है प्लस माइनस वन उसके कोरस्पॉन्डिंग होता है। जब कॉस के ए की वैल्यू प्लस माइनस वन होगा तो यहां से हम जानते हैं कि के इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, यहां से के इक्वल टू हो जाएगा एन पाई अपॉन ए। फिर जो एनर्जी बैंड की जो एनर्जी है वो के की पीरियोडिक फंक्शन होता है। यहां पे जो टोटल पॉसिबल वेव फंक्शन है उसकी संख्या जो एनर्जी बैंड में है वो यूनिट सेल के बराबर होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एनर्जी बैंड के टॉप में और बॉटम में जीरो होगी, मतलब एनर्जी बैंड के टॉप पॉइंट और बॉटम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होगी। अगर टेम्परेचर टी इक्वल टू जीरो केल्विन है तब यहां पर जो कंप्लीटली फील्ड बैंड में जो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव नंबर है वो जीरो होगा, मतलब अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन है तो कंप्लीटली फील्ड बैंड में इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव नंबर है वो जीरो होगा। दोस्तों ये है इसका डायग्राम, द पैराबोलिक ई वर्सेस के कर्व फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ये ई और के बीच में ये पैराबोलिक डायग्राम दिखाया गया है। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे और वहां से कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द एनर्जी बैंड कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन बीम, द इलेक्ट्रॉन लीव इट्स अलाउड स्टेट ओनली व्हेन देयर इज एनी अदर अलाउड एम्प्टी स्टेट अवेलेबल फॉर इट, मतलब जब कोई दूसरा अलाउड एम्प्टी स्टेट अवेलेबल होगा तभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से उस अवेलेबल एम्प्टी स्पेस पे मूव करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड में कोई भी अलाउड एम्प्टी स्टेट नहीं होता, इसलिए वहां पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्रोनिग पेनी मॉडल काफी एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। इसको क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए ब्लूस थ्योरम के थ्रू डेरिवेशन भी समझना होगा, लेकिन हम छात्रों को एक एग्जाम के हिसाब से
एक क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी पूछ सकते हैं। क्रोनिक पेनी मॉडल काफी डिटेल्ड और काफी क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी क्रोनिक पेनी मॉडल समझ में आता है। इसका कंक्लूजन कुछ इस तरह से भी है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब पार्टिकल वो है क्रिस्टल में मूव करता है तो एक पोटेंशियल वेल के फॉर्म में मूव करता है, और वो अपने पोटेंशियल फॉर्म वेल में मूव करने के लिए फ्री है। मतलब जब कोई व्यक्ति सिस्टम से काम करता है तो वो सिस्टम से काम करने के लिए फ्री है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता। ये क्रोनिक पेनी मॉडल एक बैंड थ्योरी पे आधारित होता है। ये एक मॉडल है, इसका रिजल्ट के थ्रू हम वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप को एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। दोस्तों ये आपको एग्जाम के हिसाब से आपको ये मटेरियल अवेलेबल करवाया गया है। आपको इसमें डाउट हो सकता है लेकिन कंप्लीट स्टडी के लिए आप हमसे फोन से बात कर सकते हैं। थैंक यू।